मुबारक साहब, कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको? देखिए मेरे पास मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईद का जीत बड़ी अक्सर से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला में, क्योंकि लोगों का साथ है, लोग के जज्बात है और लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हर सीट पे मुकाबला कर रही है। और क्योंकि हमारी जो एजेंडा है, हमारी एजेंडा है कि रियासत जम्मू के कश्मीर के हकूक को वापस लाना, 370 जो गैर आइनी तौर, 25 से जो गैर आइनी तौर जो यहाँ की रियासत तोड़ी गई बंद गैर आइनी तौर, उसका मुकाबला हम असेंबली में करेंगे। ग्रेनेड से नहीं, हड़ताल से नहीं, पथराव से नहीं, मुकाबला होगा वोट से। मुबारक साहब, आपके खिलाफ वोट भी देखा गया, भाई नहीं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या बात है, क्या बात है, कोई खिलाफ नहीं है। आप हजे हाइप दे रहे हो, आप नहीं देख रहे समंदर। आप देखो कि एक बार जब इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी, सबसे ज्यादा मैच मेरे मैच भरा हुआ है ईदगाह में। 40 साल मेरे लोगों ने मेरे काम किए मेरे साथ, उनके दादा ने, उनके बाप ने, उनकी बहनों ने, उनके माओं ने, और मेरे रूट बड़े सख्त हैं ईदगाह में, कोई नहीं कर सकता मुकाबला। अल्लाह के फजल से मैंने हमेशा लोगों को तरजीह दी है और लोगों का हकूक जो है उनके बहाली के लिए, लोगों के काम के लिए काम किया। ऐसे ये आप मत जाए, इंशाल्लाह कोई भी मुकाबला हो, कोई भी आ जाए उसकी शिकस्त। आज क्यों खास आपके लिए ये इलेक्शन है? है? आज क्यों खास आपके लिए ये इलेक्शन है? आज ये कि जो मैं जज्बा दे रहा हूँ जवानों में कि इंशाल्लाह वो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और इस वक्त जो लोगों में जज्बा है, जोश है, उससे हमें